सो हे गाइस, सुबह में यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना फेसबुक पेज परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर आपका पेज गलती से बन गया हो या फिर आपने फेसबुक पेज बनाया हो लेकिन आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसको परमानेंटली डिलीट, हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर, फेसबुक पेज कैसे डिलीट किया जाता है आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, फेसबुक पेज डिलीट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दे लाइक, नीचे कमेंट करके जरूर बता दे कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही हर नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और टेक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो मैं आके अपने फोन के स्क्रीन पे, और आपको अब जाना है फेसबुक पे। अगर आप फेसबुक लाइट यूज करते हैं तो आपको जाना है फेसबुक लाइट पे। मैं फेसबुक लाइट यूज करता हूँ तो मैं चले जाता हूँ फेसबुक लाइट पे। जैसे ही आप लोग फेसबुक लाइट पे या फेसबुक पे जाओगे, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भी इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तब भी, अगर आप फेसबुक लाइट यूज करते हैं फिर भी। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये सर्च के जो बगल में थ्री डॉट शो हो रहा है, आपको इस वाले पे क्लिक कर लेना। अगर आप फेसबुक करते हैं तब भी यही चीज़ शो होगा, अगर आप लाइट करते हैं फिर भी आपको यही चीज़ शो होगा। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं आपका जो फेसबुक आईडी है वो शो हो जाएगा। जैसे मेरा तिवारी शुभम है, उसके नीचे जस्ट नीचे आपका जाएगा मेरा, देख सकते हो तिवारी शुभम आईडी भी शो कर रहा है, और तिवारी शुभम से मेरा पेज बना हुआ वो भी शो कर रहा है, और तिवारी शुभम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो आपको क्या करना है, अपने पेज वाले पर क्लिक कर लेना। मैं तिवारी शुभम पेज वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप लोग चाहे तो मुझे इस पर फॉलो भी कर सकते हो, इस पर मैं वीडियो लाते रहता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे ऊपर में जो आप लोग देख सकते हैं सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग्स वाले पे क्लिक कर लेना। जैसे आप सेटिंग्स वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन, पेज सेटिंग्स के नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जैसे जनरल सेटिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको गज करना क्या होगा, सबसे ऊपर में जो जनरल सेटिंग है तो आपको इस वाले पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इस वाले पर क्लिक कर लेते हैं आपके यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं यूपिन तिवारी शुभम ऐड पेज फॉर योर फेवरेट्स, या फिर डिलीट तिवारी शुभम, तो आप में भी यही आएगा, यानी कि आपका पेज जिस नाम से बना हुआ है वो नाम आ जाएगा डिलीट के आगे में। तो आपको क्या करना है, मैं डिलीट तिवारी शुभम वाले पे क्लिक करता हूँ, आपको भी इस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बताता है कि आप अपने पेज को डिलीट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो 14 दिन के बाद आपका जो है कन्फर्म परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप श्योर हैं तो डिलीट पेज पे क्लिक करें, अगर श्योर नहीं है तो कैंसिल यहां से कर सकते हैं। तो मैं श्योर हूं डिलीट करने के लिए, तो आपको गाइस करना क्या होगा, डिलीट पेज पर क्लिक कर देना। जैसे आप डिलीट पेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पेज इंटर डिलीटिंग मोड, यू कैन कैंसिल द डिलीटिंग विद इन 14 दिन। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो 14 दिन से पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको डिलीट ही रखना चाहते हैं तो इसके इसी तरह से छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं मेरा पेज परमानेंटली डिलीट हो चुका है, इसी तरह आप भी अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक, नीचे कमेंट करके जरूर बता दे कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और टेक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।